हाय गाइस, मेरा नाम है संजय कुमार सिंह और मैं हूँ दिव्या गुप्ता। और आज की वीडियो हम बना रहे हैं हमारे न्यू फॉलोअर्स को एड्रेस करते हुए कि क्योंकि बहुत लोग हमारे बारे में, हमारे बैकग्राउंड के बारे में जानते नहीं है, तो हमने सोचा हम अपने बारे में आपको बताएं। सो बेसिकली आई एम अ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट। 2012 में मैंने CAPF का एग्जाम दिया था, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम जो UPSC कंडक्ट करती है, और आप बहुत सारे लोग उसके एस्पिरेंट भी होंगे। तो 2012 में मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर किया एंड आई वॉज अलॉटेड CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो मैंने एक साल की ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन किया। सो मेरी ज्वाइनिंग थी 2014 में एंड उसके बाद एक साल का ट्रेनिंग एंड देन आई वॉज पोस्टेड एट वेरियस लोकेशंस जहाँ पे मैंने बहुत तरह तरह की ड्यूटीज करी, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इलेक्शन ड्यूटीज, मैंने पुडुचेरी के इलेक्शन संभाले। इफ यू रिमेम्बर गाइज, जाट एजिटेशन हुआ था आरक्षण के लिए, तब मैं हरियाणा गई थी उसके लिए। फिर दिल्ली में बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज थी हमारी, जैसे अलग अलग जंतर मंतर पे कभी कोई धरना हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो दिल्ली की बहुत अलग अलग जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज। JNU में जब केस हुआ था तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मैंने देखी थी। और दिल्ली में एक जेल नया बनाया गया था, मंडोली जेल। सो मंडोली जेल जब ये बनाया गया तो उसका जो विमेन सेल था उसकी पूरी सिक्योरिटी मेरे पास थी, तो मैंने ये भी किया। उसके बाद आई वॉज पोस्टेड फॉर 1.5 ईयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड मेरा जो स्टिंट था वहाँ पे 1.5 साल का, उसी के बीच में ये आर्टिकल 370 का रिमूवल भी किया गया, तो मेरे सामने वो भी हुआ। मेरे सामने ही जब मैं वहाँ सर्व कर रही थी तब पुलवामा अटैक भी किया गया एंड अमरनाथ यात्रा को भी मैंने कवर किया, उसकी पूरी सिक्योरिटी मेरे पास थी, और उसी बहाने मुझे अमरनाथ यात्रा करने का भी सौभाग्य मिला। एंड इस तरह मेरा काफ़ी वेरिएड रोल और प्रोफाइल रहा है CRPF में। सो ओवरऑल मैंने 5 साल CRPF में सर्व किया, जहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख पाई। मैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से आ रही थी, मेरी फैमिली में से कोई भी फोर्सेस में नहीं रहा है, एंड सो द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली हु क्रैक दिस एग्जाम एंड वेंट टू द फोर्सेज गॉट ट्रेन्ड, एंड मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा था ये वेपन्स सीखना। और जो हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और सुनते हैं न्यूज़ में कि नक्सलिज्म होता है, ये होता है, टेररिज्म होता है, कैसे इसको टैकल करना होता है, किस तरह फौज को मैनेज करना होता है, फौजी लाइफ, ये सब मैंने देखी। मैंने पहली बार वर्दी पहनी, मुझे वर्दी पहनना सिखाया गया ट्रेनिंग में, कैसे पहनते हैं, कैसे उसे कैरी करना है। इट वॉज़ अ वेरी गुड लाइफ। एंड मैं जिस परिवार से पली बड़ी हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, तो मुझे एक बहुत ही अलग अपब्रिंगिंग मिली है, और फौज मेरे लिए एक बहुत ही अलग लाइफस्टाइल लेके आई थी। तो 5 साल CRPF में सर्व करने के बाद आई डिसाइडेड दैट आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू केटर टू अ डिफरेंट गोल ऑफ माइंड, दैट वॉज टीचिंग। एंड टीचिंग मैं पहले भी करती थी, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई कॉल लेटर, मैं तब भी टीचिंग करती थी। लेकिन जब मैं इस फौज में घुसी उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, जो मेरे जूनियर स्टाफ था जो मेरे पास बहुत सारी गाइडेंस लेके आया था कि मैम हमारे बच्चों को भी गाइड करो, उनको भी UPSC के एग्जाम्स क्लियर करने हैं और उनको भी अफसर बनना है, सारा जो मेरे अंडर कमांड में अराउंड 1000 to 1500 लोग थे। फॉर क्योंकि एज एन असिस्टेंट कमांडर व्हेन यू ज्वाइन, वैसे तो आप एक कंपनी कमांडर होते हो तो वहाँ पे इतने लोग नहीं होते आपके अंदर, लेकिन एज अ कंपनी कमांडर ऑल्सो आपको बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। कई बार आपके सीनियर छुट्टी पे जाते हैं तो आप उनका भी रोल प्ले करते हैं, तो इसी वजह से मेरे पास एक टाइम पे 1000-1500 लोग भी रहे हैं। सो मुझे वो चीज़ रियलाइज हुई कि बहुत लैक्यूना है, मतलब बहुत गैप है लोगों में, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस एग्जाम के बारे में, स्पेसिफिकली CAPF एग्जाम के बारे में अवेयरनेस नहीं है जितनी लोग CDS AFCAT के बारे में जानते हैं। सो एंड आई थॉट कि मुझे अब इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो आफ्टर 5 ईयर्स आई पुट इन माई रेजिग्नेशन पेपर्स एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइंट अन अकेडमी एज एन एजुकेटर इन द डिफेंस कैटेगरी, जहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाया, मुझे वहाँ से सारा एक्सपीरियंस मिला, बच्चों से मैं वापस टच में आई कि मतलब एक फौजी से वापस सिविलियन लाइफ में घुसना मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा, बट टीचिंग करते करते एक सिविलियन टच वापस मेरे अंदर आया स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए। एंड अन अकेडमी में मैंने 3 साल पढ़ाया है एंड नाउ आई एम हैविंग माई ओन वेंचर, जिसके बारे में आपको बताऊंगी। एंड पहले संजय सर आपको अपने बारे में बताएंगे एंड देन वी विल टेल यू व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ। एंड इन अन अकेडमी वेयर आई हैव सर्व फॉर 3 ईयर्स, सर्व मतलब पढ़ाया है, आई हैव बीन एबल टू गिव आउट सम रिजल्ट्स
एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड मी एज अ टीचर एंड आई कुड ऑल्सो कनेक्ट विद देम. सो आई हैव हैड रिजल्ट्स ऑफ सी ए पी एफ, आई हैव हैड रिजल्ट्स ऑफ रिटन सी डी एस, एफकेट, जिन जिन एग्जाम्स में मैं कैटर करती हूँ. And I hope I'm able to replicate that. I hope, nahi, I'm very confident I'll be replicating that in future also. Okay, so ma'am ne aapko kaafi detail ke andar apna introduction diya. So if I talk about myself, to meri bahut hi typical journey rahi hai, jaise defense aspirant ki hoti hai. Like in first or second year, I decided that I wanted to join the army. Though I decided earlier, but was not able to crack the early exams, but CDS first attempt में crack हुआ, SSB भी first attempt में crack हुआ, and the reasons for cracking this for a lot of that I was preparing for not only from the point of view of SSB but extracurriculars or Delhi University के अंदर में exposure मिलता है, I was able to get it and बहुत सारी curricular activities में participate करा, and after that I had joined the army, I was 1.5 years at the IMA, then I came out, और अगर आपको detail में समझना है कि IMA से मैं कैसे बाहर आया तो उसके अंदर एक पूरा थॉरो वीडियो है जो आप जाकर देख सकते हैं, जो स्टॉक्स मैंने करा हुआ है जिसके अंदर मैंने पूरी जर्नी को समझाया है. यहाँ पर मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहूंगा आपसे. तो फिर एकेडमी से बाहर आने के बाद देन आई डिड जर्नलिज्म. जर्नलिज्म करा मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, जो इंडिया का टॉप मोस्ट जर्नलिज्म कॉलेज है. उसके बाद मैंने मैगजीन्स में काम करा, डिफेंस मैगजीन्स में काम करा, आर्टिकल्स लिखे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के बारे में, और जो परेड्स होती हैं और जो जो चीजें नई फौज के अंदर हो रही थी या डेफ एक्सपो में हो रहा था, उन चीजों में लिखा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट और दिल तो फौज के साथ ही था. उसी दौरान मैंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना भी स्टार्ट करा, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू क्रैक द आईबी एग्जामिनेशन, विच इज अ सेपरेट एग्जामिनेशन. 2020 में उसका लास्ट नोटिफिकेशन आया था, तो वो एग्जाम क्रैक करा, एंड देन आई हैड वर्क्ड विद आईबी फॉर अराउंड 2 years, वेयर आई डिड अ लॉट ऑफ ऑप्स एंड आई वाज पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर. बेसिकली कश्मीर के कोर एरियाज में पोस्ट होने का सौभाग्य ही मानिए मेरे लिए तो, बिकॉज आई वॉज पोस्टेड एंड कनेक्टेड विद द टॉप मोस्ट आरआर फोर्सेस. ऑप्स करने का मौका मिला, आरआर से आरआर के साथ काम करने का मौका मिला, इंडियन आर्मी की कोर यूनिट्स के साथ काम करने का मौका मिला, एंड हाउ ऑपरेशंस एक्चुअली हैपेंस, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, काफी सारा एक्सपोजर मिला इंटेलिजेंस ब्यूरो में. एंड आफ्टर अराउंड 2-2.5 years ऑफ सर्विस आई केम आउट ऑफ देयर. बेसिकली 2 साल की सर्विस मान लीजिए आप, और उसके बाद बाहर आने के बाद देन आई हैड अगेन गॉन बैक टू जर्नलिज्म. जर्नलिज्म के बाद मैंने वापस मुझे ये रियलाइज हुआ कि काफी सारे एग्जाम्स आईबी और आर्मी के साथ मैंने क्रैक करे थे वेरियस यूनिवर्सिटीज के, जिनको इवेंचुअली मैंने ज्वाइन नहीं करा क्योंकि आर्मी और आईबी हो चुके थे. एंड आई हैड गॉन बैक टू, मैंने स्टार्ट करी अपनी एकेडमिक जर्नी अराउंड 2015 ऑनवर्ड्स, और अलग अलग कंपनीज में काम करा, मैंने सुपर प्रॉक्स में काम करा, उसके बाद मैंने शिक्षा ज्वाइन करी जो इन्फो एज के अंडर आती है, एंड फाइनली आई हैड जॉइंड अनअकैडमी. अनअकैडमी पे मेरा स्टिंट करीबन 5-5.5 साल का रहा, रादर आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द डिफेंस कैटेगरी देयर, और उसके अंदर हमने काफी सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे. और अगर आपको मेरे बारे में थोड़ा भी पता है तो ग्रेट नंबर ऑफ रिजल्ट्स, मोर देन 3000 रिजल्ट्स इन CDS, CAPF, AFCAT, NDA, एंड मोर देन 100-120 रिजल्ट्स इन दी SSB रिकमेंडेशन, विच द करेक्ट नंबर जो मेरे पास इनलिस्टेड मेरे पास पहुंचे दो आर अराउंड 85+, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आई कुडंट कनेक्ट. जैसे मैं अभी रिसेंटली IMA गया था, तो IMA गया था और लिबर्टी में बहुत स्टूडेंट से मिला, सो अराउंड 15-20 स्टूडेंट्स केम एंड देवर वॉचिंग माई कोर्सेज बट कुडंट कनेक्ट. तो इतनी सारी चीजें हुई हैं, सो आई वॉज एबल टू टच सो मेनी लाइव्स. सो दो आई एम आउट ऑफ द आर्मी, बट वो बोलते हैं कि फौज के लिए दिल धड़कता है, और मैं इसी जर्नी में आगे चल रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, और SSB इज वेरी नियर टू मी स्पेसिफिकली दिस प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं. एंड जैसा कि मैम ने आपको बताया, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट की बात करी है, दिव्या मैम और मैंने मिलकर शौर्य विवेक डिफेंस अकेडमी को इस साल जून में स्टार्ट करा. तो मैं अनअकैडमी को जब मैंने छोड़ा, उसके बाद इस इंस्टीट्यूट को मैं काम करना स्टार्ट करा, जहां पर SSB बैचेस के साथ हमने स्टार्ट करा था, और अब हमारा 4th SSB बैच 1st नवंबर को स्टार्ट होगा, 5th SSB बैच हमारा 24th नवंबर को स्टार्ट होगा, एंड रिटन एग्जामिनेशन का भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच मेरा और दिव्या मैम के थ्रू जो क्यूरेटेड बैच है, दैट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर. एंड आल्सो दिव्या मैम इज स्टिल वर्किंग विद द अनअकैडमी, क्योंकि आप यही पूछने वाले होंगे, तो वो मैं क्लियर कर दूं. यस, एंड फाइनली वह हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मैम सर आप ऑफलाइन पढ़ाइए ऑफलाइन पढ़ाइए. सो फाइनली वी हैव ओपन्ड आवर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट शौर्य विवेक डिफेंस अकेडमी, जो हमने देहरादून से शुरू किया था और हमने SSB से शुरू किया था,
और अब उसे सक्सेसफुल 3 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद विद रिजल्ट्स यस. एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट रिजल्ट्स प्लीज चेक आवर यूट्यूब चैनल, उसमें सब कुछ हम अपडेट करके देते हैं आपको. और अब हमारा चौथा SSB आ रहा है इंदिरापुरम गाजियाबाद में, और साथ में हमारा पहला रिटर्न ऑफलाइन सीरियस बैच भी आ रहा है. एंड उसकी वो हमारा बैच शुरू हो रहा है 15 नवंबर से. एंड अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं रिटर्न का तो प्लीज ज्वाइन अस. एंड अभी हम लोग CDS का खोल रहे हैं, फिर आगे हमारे प्लान्स हैं NDA, AFCAT, CAPF सारे बैचेस खोलने के इन द नियर फ्यूचर, बट वी आर टेकिंग इट स्टेप बाय स्टेप. सो पहले SSB हैज बीन गुड टू अस एंड नाउ SSB एंड CDS ऑफलाइन. तो बाकी सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी. और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके साथ बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनको इस हमारे बारे में जरूर बताइए. आपसे कोई मिलता है ताकि उनको जेन्युइन गाइडेंस मिल सके, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, घंटी का आइकॉन पक्का दबाइए और सबको इसके बारे में पता लगे और हम आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प करना चाहेंगे. और अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमने उस क्वेरी को इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताया आपको, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए और जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं. एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रिटन एंड द SSB बैचेस. थैंक यू. थैंक यू. जय हिंद.